पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी आदित्यनाथ की पुलिस भले ही बदमाशों का राम नाम सत्य या जेल के पीछे होने के दावे कर रही हो, मगर संबल में बदमाशों के दिन में भी बुलंद हौसले हैं। दिन दहाड़े तीन बदमाशों ने एक सराफ की पिटाई करते हुए 7 लाख रुपए की संपत्ति लूटकर पुलिस को चैलेंज किया है। लूट की ताजा मामला चंदोसी कोतवाली के गाँव मई का है। चंदोसी के पुनित कुमार अग्रवाल की इस गाँव में सराफे की दुकान है। शाम करीब 5:15 बजे दुकान बंद करके वे बैंक से अपने घर लौट रहे थे। गांव में ही मौजूद तीन बदमाशों ने उनकी बाइक गिराई और बेरहमी से डंडों से पिटाई कर दुकान का बैग लूट लिया। भुक्तभोगी के अनुसार बैग में 90 ग्राम सोना, 4-4 किलो चांदी और 60-70 हजार की नकदी थी। कुल मिलाकर बदमाश करीब 7 लाख रुपए का माल लूटकर भाग गए। पीड़ित सराफ ने चंदोसी कोतवाली में घटना की सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवक्ता दिन दहाड़े लूट की घटना से दहशत व्याप्त है। पुनित कुमार हुआ, मैं दुकान से चला था शॉप ब्रांड का, तो मई बीच गांव में तीन लड़के साइडों से खड़े हुए थे अलग अलग साइड में। तो पहले वाले लड़के ने तो कुछ नहीं बोला, दूसरे वाले लड़के ने मेरी बाइक में लात मारी। क्या था, लट्ठे था उनके? हाँ, लट्ठा। बीच वाले लड़के ने मेरी बाइक में लात मारी, मेरी बाइक गिर पड़ी। तीसरे वाले लड़के ने उस मुंडे में लट्ठ मारे डंडे, और वो मुंडे गोली मारने को कह रहा था। मैंने उससे मारुमार करके छोड़ने को कहा। मेरे पीछे जितना भी मेरे सामान का बैग था वो ले गए। बाकी उन्होंने और कुछ मेरी जेब को भी नहीं छुआ और कुछ नहीं लिए, केवल वो मेरा वही बैग छीन के भागे जिसमें सब कुछ रुपये थी। मेरे साथ सर लूट मानिए करीब 6-7 लाख 8 लाख। 90 ग्राम सोना था मेरे पास, 90 ग्राम सोना था, 4-4.5 किलो चांदी थी और 60,000-70,000 रुपये कैश। हमने उन्होंने लट मारे हैं बदमाश में, लेकिन ये पहले गिरे आए उन्होंने गिराया है पहले। सराफा व्यापारी थे जो चंदोसी के रहने वाले थे, मई गांव में उनकी सराफे की दुकान थी। वहाँ से शाम 5 बजे के आसपास वो दुकान बंद करके लौट रहे थे। इनके द्वारा बताया गया कि रोड पे थोड़ा आगे आने के बाद ही इनको तीन लोगों ने इनके साथ बाइक में पहले पैर मारा और उनको गिरा करके उनका बैग लेकर भाग गए हैं। तो घटना की तहरीर आ गई है।